हमारे जो बुद्धिजीवी कर्मठ जुझारू लोग हैं, सागर अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अमर भारद्वाज, तपिश अग्रवाल, मैं तमाम जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हमारे शहर में मौजूद हैं, इन लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच पर आएं और समस्त जनता का मार्गदर्शन करें। और मैं अपने भाई बड़े भाई मुकेश सक्सेना जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी तरफ से निरंतर हम लोगों को काम मिलता रहता है, थैंक यू। तो जितने भी तमाम मैंने नाम यहाँ पे लिए हैं, सागर अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अमर भारद्वाज, तपिश अग्रवाल, साथियों वोट देने का अधिकार सबका होता है, पूछो क्यों, क्या आपको लगता है कि आपको अधिकार मिलते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको अधिकार मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं आपको? नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। वी वॉन्ट रेवोल्यूशन, वी वॉन्ट चेंज, यही है, अधिकार हमें मिलते नहीं है दोस्तों, छीनने पड़ते हैं। और इसी क्रम में मैं अपने तमाम साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, सागर अग्रवाल, मुदित अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अमर भारद्वाज, तपस्या अग्रवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू राज भैया एंड अरे भैया टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, एंड नाउ माय फ्रेंड्स टेल यू अबाउट समथिंग गुड। Start? Don't hesitate. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी 18 ईयर्स और ओल्डर हैं वो वोट जरूर करें, क्योंकि अभी भैया ने कहा कि हमें अधिकार छीनने पड़ते हैं, हमें मिलते नहीं हैं। लेकिन मैं भैया की बात को गलत नहीं ठहराऊंगा, अगर थोड़ी सी बात करी जाए कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें वो हमें इस चीज़ का अधिकार देता है कि हम सही को चुन सकें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्लीज़ करके वोट जरूर दें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि शहर में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ फैमिलीज या कुछ एरियाज गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, कहते हैं चलो छुट्टी मनाने चल रहे हैं, दो तीन दिन की छुट्टी मिल गई, और इस वजह से क्या है कि कभी कभी जिस कैंडिडेट को नहीं जीतना होता वो जीत जाता है। इसलिए आप सही कैंडिडेट का चुनाव खुद करें, प्लीज़ वोट। मेरा बस इतना ही कहना है कि प्लीज 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 सब लोग वोट दें, ठीक है, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर कास्कर, थैंक यू। और मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, अभी मेरे भाई ने कहा था कि मैं राज भाई को थोड़ा रोकना चाहूंगा, भाई मुझे रोकने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। मेरा कहने का था, हम लोग अभी सरकार की एक और मुहिम चल रही है कि शौचालय का निर्माण करो, थोड़ा सा मैं गलत उस अलग वे में चला गया, सरकारी नीतियों का प्रचार करना मेरा मकसद नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि शौचालय बनाओ तब आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी मैं जयपुर की तरफ निकला था तो वहां पे यही चला था कि सरकार ने कहा है कि जब 12,000 रुपए मिलेंगे तब आप शौचालय बनाओगे। यार वो 12,000 रुपए क्या हमारी माँ हमारी बहनों की इज्जत से ज्यादा है? ज्यादा है क्या? तो क्यों शौचालय नहीं बनवा रहे आप लोग? शौचालय बनवाओ, शौचालय बनवाने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने बोला शौचालय बनवाओ, ये फैक्ट है कि वो 12,000 रुपए मिलेंगे तभी आप बोलोगे कि हाँ शौचालय बनवाओ। मुहिम तो छोड़ो यार, मुहिम तो छेड़ो, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। मैं बहुत छोटा था जब 2003 में मैं नाटक सीखने गया था, मेरे गुरुजी का नाम है श्री यमुनाराम जी, आप बहुत हाई लेवल थिएटर सिखाते हैं, तो ठंड थी दिसंबर की ठंड, 19 दिसंबर की बात है, मैं गया और मैंने कहा गुरुजी मुझे थिएटर सीखना है, तो उन्होंने कहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थिएटर, मैंने कहा ये सब मुझे नहीं पता लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है और करनी है और हमेशा करनी है। तो मैंने एक्टिंग की और मेरा पहला एक्ट रोड पे हुआ, रोड में कहते हैं स्ट्रीट प्ले। आप अभी भी फेसबुक हर चीज उठा के देख लीजिए, स्ट्रीट प्ले की डेफिनेशन बहुत हाई है, और मैंने अपनी शुरुआत